हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल स्टोर वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? हर कंपनी का अपना एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर हम 1 अप्रैल, जैसे मान लो हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2011 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2011 से लेके नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2012, ये हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। अब हमारी कंपनी मान लो मोबाइल परचेज और सेल करती है, और आज हमारा 31 मार्च 2011 है और मेरे स्टॉक में कुछ आइटम यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो टैली के अंदर हमें इस एंट्री को नेक्स्ट ईयर के लिए वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बताना पड़ता है कि ये हमारा पिछले साल का इतना स्टॉक हमारा अवेलेबल था, और इसके लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में हमें यहाँ पे एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अल्ट के साथ F10। जब आप अल्ट के साथ F10 को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फिजिकल स्टॉक, और यहाँ पे दिखा भी रहा है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। तो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे नेम ऑफ आइटम। हमारा जो आइटम है मान लो हमारा पेप्सोडेंट है। अब पेप्सोडेंट के अंदर हमारे यहाँ पे 12 पीसीज है, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायर डेट, और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हम यहां पर डाल देते हैं, जैसे वापस आते हैं हम यहां पे चेक कर लेते हैं 12 पीसीज है, तो हम यहां पे क्वांटिटी डालते हैं 12। यहां पे हमें अमाउंट वगैरह कुछ भी नहीं डालना, और एक पीस हमारा ये बचा हुआ है एसएनपी का, तो हमने इसको भी सिलेक्ट किया, और यहां पे 1 और एंटर। और इस तरीके से हमारे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की एंट्री हमारी टैली के अंदर पास हो जाएगी। जितना भी हमारा स्टॉक बचा होता है उस स्टॉक को वेरीफाई किया जाता है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के थ्रू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।